मुख्यमंत्री जी से पूछे कि बिहार में शराब के अलावा कोई और काम बचा है कि नहीं बचा है, या शराबबंदी का एक हवा उनके सर पे अब सवार हो गया कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षक भी यही करें, पुलिस भी यही करें, अपराधियों को छोड़कर सारी दुनिया, सारी जनता बिहार की सिर्फ शराबबंदी पर लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई? एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं दक्षा आपके साथ। आज चिराग पासवान पटना पहुंचे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पटना पहुंचने के साथ ही मीडिया कर्मियों से बातचीत की, और जब चिराग पासवान से पूछा गया कि बिहार में हो रहे विधान परिषद चुनाव में 24 सीटों में से एक सीट पशुपति पारस जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 24 सीटों में से एक सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दे करके पशुपति पारस जी की हैसियत को बता दिया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार आप भी सुनिए। आपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जिसमें एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनका सिलेक्शन हो सकता था जो आपने नहीं किया, तो तमाम इन मापदंड के ऊपर आपको चर्चा करने की आपको जरूरत है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझने का कम से कम उन्होंने प्रयास किया, और जिस कमेटी की उन्होंने बात किया कि बनाकर छात्रों से वो बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे। बट बहरहाल इस बात को मैं पुनः दोहराऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ और उनकी तमाम उचित मांगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों का समर्थन करती है या उनकी मांगों को सुनती है और समाधान निकालती है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर इस लड़ाई को हम लोग को आगे तक लड़ने की जरूरत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहाँ तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे, तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए।
अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई है उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोगों की मजबूत तैयारी चल रही है अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अकेले रणभूमि में उतरेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हम लोग करेंगे। आपकी रणनीति, सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब शिक्षक जो है वो शराब पकड़ेंगे, पहले से शिक्षक जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इलेक्शन का ड्यूटी उन पे दे दिया जाता है और शराब पकड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है। मंत्री जी से पूछे कि बिहार में शराब के अलावा कोई और काम बचा है कि नहीं बचा है, या शराबबंदी का एक हवा उनके सर पे अब सवार हो गया कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षक भी यही करें, पुलिस भी यही करें, अपराधियों को छोड़कर सारी दुनिया, सारी जनता बिहार की सिर्फ शराबबंदी पर लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई? आप सिर्फ अपने हवा महल में बैठकर एसी और हीटर का मज़ा लेते रहेंगे क्या? उसके अलावा आपके पास हैं कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई? आप इतनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में, इतना अपराध बढ़ता जा रहा है। पाकड़गंज की घटना, हम लोग वहाँ जाते रहे, शराबबंदी जहाँ पर होती है वहाँ पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं। आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं, भगवान जाने कि भैया एक के बाद एक जो ये घटनाएं घट रही हैं उसमें आप खुद कहाँ हैं? और अगर आप शिक्षकों को भी अगर आप इसी में डाल देंगे तो बिहार में वैसे ही शिक्षा नीति के हालात देख लीजिए क्या है। एजुकेशन का स्तर बिहार में आप पहले ही हर कोई जानता है भैया कि किस बदहाल स्थिति में है। आप बिहार के किसी भी गाँव में चले जाइए, आप मुझे बताइए क्या वहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षा संस्थान है, क्या वहाँ पर शिक्षक आते हैं, या क्या वो इतने सामर्थ्य हैं कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करा पाएं? और उसके बाद अगर आप शिक्षकों को भी इसी में ही लगा देंगे तो बताइए ना कि भैया आप क्या कानून, आपकी कानून व्यवस्था, आपका शासन प्रशासन तंत्र क्या करेगा और आप खुद क्या करेंगे भैया? ये जानने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बात को स्पष्ट तौर पर इस बात को कबूल कर लें कि उनके बस का नहीं है। अब अगर एक शराबबंदी जैसा छोटा सा कानून वो धरातल पर नहीं उतार सकते तो बिहार को चलाना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की बात है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, मध्यावधि चुनाव में जाएं और ये तीसरे नंबर की पार्टी जो आज की तारीख में सरकार चलाने में असमर्थ है उसको हटाकर एक बेहतर सरकार बिहार में बनाई जाए। कैंडिडेट्स को उतारेंगे? देखिए, हम लोगों ने बिना इस सोच के कि जनता दल यूनाइटेड किन सीटों पर लड़ रही है नहीं लड़ रही, जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैडर मजबूत है जिन्होंने तैयारी की है, या जहाँ पर हम लोग के पास मजबूत साथी हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन तमाम सीटों पर बिना इस बात का मद्देनज़र रखते हुए कि कहाँ से कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, उन तमाम सीटों पर जहाँ पर हम लोग की तैयारी मजबूत है वहाँ पर हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। रेलवे का एक मामला है चिराग जी, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर आपने रेल मंत्री को पत्र लिखा था जो आपके उस स्थान से रेलवे लाइन जा रही थी, रेल मंत्री ने जवाब दिया, इस पर लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए क्योंकि बिहार के करोड़ों लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं? भाई, जब कोई रोजगार मांगने जाता है आप उन पर लाठी चलाते हैं, इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, रोज़गार देने में आप सक्षम नहीं हैं, और उसके बाद जब अपनी उचित मांगों को लेकर बिहार के छात्र सड़क पर उतरते हैं तो मौजूदा सरकार, और ख़ास तौर पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय आता है, तो इसीलिए मैं पहले तो मैं राज्य सरकार की बात करूँगा कि जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता से उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, भैया वो वीडियोस मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने पोस्ट किए हैं, जहाँ पे छात्रों को बुरी तरीके से बिहार की पुलिस उनकी पिटाई कर रही है, उनको मार रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भैया, अगर आप रोज़गार नहीं दे पाते तो कम से कम लाठियाँ तो मत चलाइए छात्रों के ऊपर। और जहाँ तक रही बात आरआरबी और एनटीपीसी में भर्ती को लेकर, भैया एक मापदंड तय होता है और अगर आप उस मापदंड को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो यकीनन छात्र सड़क पर उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से समर्थन करती हैं। मैं डे वन से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बातों को, अपने विचारों को छात्रों के समर्थन में मैंने रखा है। जहां एक तरफ मैंने उनके ऊपर हुई लाठियों का हम लोगों ने विरोध किया, उसकी हम लोगों ने निंदा की, साथ ही हम लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से भी कि भैया इस भर्ती में
जहां पर भी मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है और छात्रों की जो जो उचित मांगे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि भैया 20 गुना ज़्यादा फर्स्ट पेज में आपको इनकी सिलेक्शंस करना चाहिए था, इनको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए था, वहीं पर एक पद के लिए आपने तीन तीन पदों के लिए एक ही व्यक्ति के नाम को आप लोगों ने चिन्हित कर उसका जो मापदंड है उसको आपने पूरा नहीं किया और 20 गुना की जगह सिर्फ मात्र 11 गुना आपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनका सिलेक्शन हो सकता था जो आपने नहीं किया। तो तमाम इन मापदंड के ऊपर आपको चर्चा करने की आपको ज़रूरत है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में हुए धांधी को लेकर के जो छात्रों को पीटा गया उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों को पीट रहे हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ आईवी टीवी पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।